अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आपको मालूम है कि इस चैनल के अंदर आपको टीचिंग जॉब्स के हवाले से प्रिपरेशन करवाई जाती है और उसके हवाले से अपडेट्स दी जाती है। तो अभी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपनी वेबसाइट पे एक बड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए एक दी है कि अभी इससे पता चलता है कि जल्द जल्द गवर्नमेंट जॉब्स आने वाली है। PST और JST के सैम्पल पेपर्स जारी कर दें। जी बिल्कुल, अभी मैं बताने जा रहा हूँ कि PST JST के सैम्पल पेपर्स जारी कर दिए। उसमें बताया गया है कि किस तरह से जो है ना पेपर्स होंगे, किस तरह से सवालात होंगे, कौन से पोर्शन से कितने MCQs होंगे, ये सारा उसने बताया है। तो चलें चलते हैं, उस देखते हैं कि किस तरह से सवाल आते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि और भी इस तरह से वीडियो मिलती जाएंगी। और मैं आपको बता चलूँ कि मैंने अभी अभी एक वीडियो अपलोड की है जिसमें बताया गया है कि MCQs पेपर को किस तरह से सोल्व किया जाए। उसमें ट्रिक्स और मेथडोलॉजी बताई गई है, किसी भी तरह के आपके पास MCQs हो वो उसको सोल्व कर सकते हैं आप इस टेस्ट के अंदर, आपको बहुत ही अच्छे से। अभी अभी देखें, ये सैम्पल टेस्ट पेपर जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, स्कूल एजुकेशन लिटरेसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने सैम्पल टेस्ट पेपर जारी किए हैं। JST 21 12 2020 पे सैम्पल पेपर PST यहाँ पे। ठीक है, तो हम जाते हैं कैसे, ये देखें मैंने डाउनलोड किए हैं तो सैम्पल पेपर जो है JST का, हम देखते हैं कैसे है। ठीक है, सैम्पल पेपर ये देखें, इन्होंने बताया है कि सैम्पल टेस्ट पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ JST, ठीक है, Part 1 मदर टंग सिंधी उर्दू, जो 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, Part 2 सलीस उर्दू, CA, GK, इस्लामियात वगैरह, ये सारी चीज़ों की 15 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, Part 3 के अंदर इंग्लिश होंगे, इंग्लिश के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे। Part 4 के अंदर मैथमेटिक्स होगा, उसके अंदर 25 क्वेश्चन होंगे। Part 5 के अंदर जनरल साइंस होगी और उसमें 25 क्वेश्चन होंगे। किस तरह से सवालात होंगे, चलें ये देखें। आप स्क्रीन के ऊपर हम आप देख सकते हैं, पहले पहले सिंधी है, मदर टंग के हवाले से सिंधी उर्दू। ठीक है, तो ये देखें, एक जो है ना इबारत यहाँ पे दी गई है, तो उसको पढ़ के उससे रिलेटेड जो है, ये एक लाइक इस तरह से है कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, तो ये बताया गया ये किस जो ना से लेना, ये देखें। और भी एक यहाँ पे एक शायरी दी गई है, इससे इसके बारे में पूछा जाता है कि एक लफ्ज़ जो है इसकी मीनिंग यहाँ पे इस शायरी के अंदर क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये किस तर से वास्ता रखती है इस तरह से सिंधी में, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उर्दू है, उर्दू की भी एक दी गई है। ठीक है, आप मैं इसको जो है ना लैंडस्केप करता हूँ, आप देख लीजिए। ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें। और वो जो वेबसाइट है वो अभी हैंग हो रही है, इस वजह से आप यहाँ पे ठीक से आराम से देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने कौन से पेपर्स दिए हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी आपको, अभी मैं इंशाल्लाह जनरल साइंस के जो है ना लेक्चर्स भी अपलोड करूँगा और उसके अलावा जो है ना MCQs भी अपलोड करूँगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन के हवाले से मैंने एक लिस्ट भी बनाई है, प्ले लिस्ट, उसमें हर चीज़ उसमें दी गई है। देखें, कंप्यूटर के भी सवाल आते हैं और ये भी उर्दू में दिए गए हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी टेस्ट है, बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह आप हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। ये देखें, करंट अफेयर्स वगैरह, मोहम्मद बिन कासम जब सिंध में आए तो उस वक्त बनू उमैया का खलीफा कौन था? ऐसा मुसलमानों ने जब बर्र सगीर में खिलाफत तहरीक शुरू की थी, वो क्या तहरीक थी? ठीक है ना, तो रीडिंग कम्प्रिहेंशन इंग्लिश में आता है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 6 सेट बिलो इट। स्प्रिंग इज़ द टाइम ऑफ ईयर व्हेन द वेदर इज़ कंसिडर्ड एज एब्सोल्युटली परफेक्ट बिकॉज द एयर इज स्टिल कूल, येट इट्स प्लीजेंटली कूल, अ कूलनेस दैट अलाउज वन टू एंजॉय द वेदर विदाउट गेटिंग क्रैम्प ड्यू टू द कोल्ड आर एग्जॉस्टेड ड्यू टू द हीट। द स्प्रिंग सीजन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद रीबर्थ। इस तरह से ये पूरा है, आप देख सकते हैं इसके जो आंसर्स जो है ना वो उन्होंने यहाँ पे देखें कि जो है आंसर की सॉरी ऑप्शंस जो है दिए गए। फिर उसके बाद मैथमेटिक्स आ जाता है, मैथमेटिक्स बिल्कुल सिंपल है, देखिए बाइनरी रिलेशन है मैट्रिक के लेवल का। ठीक है, थोड़ा सा उसके बाद जो है ये सिंपल 7-8 की जो है लेवल का है। ठीक है, इस तरह से जनरल साइंस भी है, जनरल साइंस 4 टू 7 पार्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग लाइट, ओनली इन ग्रीन लाइट, ओनली इन सनलाइट फ्रॉम द सन, इनविजिबल लाइट ऑब्टेन फ्रॉम एनी सोर्स, ओनली इन हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम द सन, व्हाट डू वी मीन बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। इस तरह से बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ठीक है ना, इस तरह से ये हो गई।
PST की टेस्ट, ठीक है, अच्छा सॉरी JST की टेस्ट, अभी और भी होंगी, अभी आप देख सकते हैं, चले हम देखते हैं गूगल की तरफ देखते हैं और भी, अभी मैंने खोली थी तो मेरे पास ठीक से चल रही होगी इसकी साइट। अभी डेटा खोलते हैं, ठीक है, PST भी सिंपल है टेस्ट, इतनी कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें ये साइट खुल गई, अगर आगे चल के आपको जो ना मार्कशीट्स और सॉरी स्लिप्स वगैरह डेट वगैरह जब मालूम करनी हो तो आप यहाँ से इस वेबसाइट से देख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे जाना है ये भी आपको इसमें मैं तरीका बताते जा रहा हूँ। देखिए सिबा हमने लिखा सिंध IBA सक्कर, ठीक है, तो इस तरह से जब हम खोलेंगे तो उसमें बहुत सारे हमें किस में जाना है वो हमें जो है ना प्रॉपरली देखना है। आपको मैं समझाता हूँ अभी कि जब भी आप ये वेबसाइट खोलें तो आपको आपका होना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट गाइडेंस मैं दूंगा इंशाल्लाह जितना भी पहुंच सके। देखें ये पूरी इसकी जो ना ब्राउज खुल गया, ब्राउज़र खुल गया, ठीक है, अब यहाँ पे जाना है, यहाँ पे चले, थोड़ा नेट जो है स्लो हो रहा है, सॉरी ये देखें STS खुल गई, STS की STS में जाएंगे इसमें, ठीक है, STS में जब गए तो पता है ये देखें यहाँ पे सिंपल टेस्ट आ गया, ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं पास्ट PST की, ठीक है, PST की टेस्ट जो है ना अभी मैंने यहाँ से डाउनलोड करनी है। अभी हो नहीं रही, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं बच्चों के। चले ऐसा करता हूँ मैं नेक्स्ट जो है ना उसमें भेजता हूँ। ये देखो डाउनलोड हो रही है, ये देखें ये सैम्पल पेपर हमारे पास आ गया PST का। PST में भी क्या दिया गया है, पार्ट वन मदर टंग का जो है, मदर टंग के अंदर 15 क्वेश्चन है, पार्ट टू जो है उसमें जनरल साइंस 15 क्वेश्चन है, पार्ट थ्री जो है 20 क्वेश्चन है, पार्ट फाइव जो है 25 क्वेश्चन है, इस तरह से इसमें भी यही चीज़ दी गई है। इसको भी मैं लैंड स्केप कर देता हूँ ताकि आपको समझ में सही आए, देखने में सही आए। ठीक है, सिंधी में हेड डिनल इबारत पढ़ी, सवाल नंबर हिक खां जा मुनासिब जवाब चूंडियो, हिक काऊं जरकी खिचयो, अज तो डामण जो मुकाबलो करूं, तें ते जरकी राजी थी वही, काऊं कुछ नंढा पत्थर गड़ गया। मतलब ये जो रीडिंग कंप्रिहेंशन की वजह तरह ही है बिल्कुल, ठीक है, ये फिर ये उसके इसी से जो है ना क्वेश्चन से फिर उर्दू वाला ऐसा आता है, अगर उर्दू मदर टंग है जिसकी तो उस हिसाब से ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लें आप या देख लीजिए वहाँ, लेकिन वहाँ पे वेबसाइट देखो हैंग हो रही है बहुत। अच्छा ये देखें कंप्यूटर साइंस है क्या, ठीक है, स्टडीज करंट से पाकिस्तान के झंडे में हरा ग्रीन रंग क्या जाहिर करता है, पाकिस्तान जी झंडे में साव रंग छा जाहिर कंदो है, मतलब दोनों लैंग्वेजेस में इसका किया गया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल टेस्ट है, कोई भी कर लेगा, वेरी सिंपल वेरी सिंपल, डोंट हैव टू डू एनी डोंट हैव टू टेक एनी टेंशन, वेरी सिंपल।
ठीक है ना। आई होप यू यू हैव क्लियर दिस। ठीक है, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको भी और वीडियोस मिलती जाएंगी। शुक्रिया।